राम राम जी। क्या हाल सारे का, रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई आज आपके लिए सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी चार बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि उसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। और भाई साथियों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वो ग्रुप भी जो आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो है अब आगे जितनी वीडियो बनाऊंगा मैं जो है कहीं पर भी जो है वीडियो का लिंक शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ जो अपने ग्रुप में भाई उन ग्रुप में जो है वीडियो का लिंक जो शेयर किया करूंगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों अब शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले बड़ी बात कर लेते भाई पंचकूला में भाई JBT DED और BED बेस पे जो है भर्ती आई है। आप देख सकते हैं भाई नोटिस, कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा सेक्टर 7 पंचकुला हरियाणा। तो वह समग्र शिक्षा जिला पंचकुला के तहत संचालित खंड बरवाड़ा, रायपुर, राणी और पिंजौर में OOSC कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 14 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षिक स्वयं सेवकों को यानी एजुकेशन वॉलंटियर को आबंद करने हेतु योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो चयनित अभ्यर्थी को जो है HSSPP द्वारा निर्धारित नियमानुसार मासिक मानदेय दिया जाएगा और आवेदक अपने सब सत्यापित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी उक्त पते पर जो है दिनांक 22 अक्टूबर 2024 5:30 जैसे पहले भिजवाएं। तो भाई जो आप देख सकते हैं भाई ये पद का नाम देख सकते हैं शैक्षिक स्वयं सेवक यानी एजुकेशन वॉलंटियर पद, आप इसमें देख सकते हैं भाई पद जो है 91 पद हैं। तो 91 पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और समयावधि आप इसमें देख सकते हैं भाई अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए लगेंगे, यानी कुल जो है 5 से 6 महीने के लिए लगेंगे भाई। और उसमें आप सैलरी देख सकते हैं जो मासिक मानदेय है वो भाई 10,000 रुपये पर महीने रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें शैक्षणिक योग्यता रहेगी भाई प्लस टू पास होना चाहिए, उसके साथ ही भाई BED यानी JBT का डिप्लोमा या फिर BED की डिग्री होनी चाहिए भाई और उसमें जो है 50% जो है मार्क्स होना चाहिए और 10वीं में भाई हिंदी या संस्कृत जो है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट भाई कंपल्सरी है भाई वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भाई आगे आप इसमें देख सकते हैं नोट पूरा कार्यरत शैक्षिक स्वयं सेवकों को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोफॉर्मा की हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है और उसमें जो है फोन नंबर भी दे रखा है उस पर भी जो आप ज्यादा जानकारी लिए भाई कंटेक्ट कर सकते हैं। तो फोन नंबर भाई 999-145-99-54, नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई नोट कर लीजिएगा 999-145-99-54। तो ये भी जो है पंचकुला में जो है एजुकेशन वॉलंटियर के पदों पर जो भर्ती निकली है BED DED और JBT बेस पे। तो अगली जो बड़ी अपडेट भाई NSM के तहत जो पानीपत के तहत जो है भर्तियां निकली भाई पानीपत में NSM के तहत उसको लेकर भाई शुद्धि पत्र जारी किया गया है। आप देख सकते हैं भाई महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक दे रखे हैं भाई दिनांक 24/6/2024 अधीन हरियाणा राज्य के सिविल सर्जनों को ATF यानी वैश्विक उपचार सुविधा योजना के तहत संविदा कर्मचारियों भर्ती के संबंध निर्देश। तो आप इसमें देख सकते भाई आगे दैनिक जागरण में दिनांक 14/8/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या दे रखा है और दिनांक 10/8/2024 और दैनिक जागरण में दिनांक 24/8/2024 को प्रकाशित शुद्धि पत्र के संदर्भ में एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि चूंकि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक की दे रखा भाई इसके तहत जो है 10/10/2024 को आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है और इसीलिए वैश्विक उपचार सुविधा सिविल अस्पताल जो है पानीपत के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के लिए भाई एक बार फिर से जो है फ्रेश फॉर्म जो है आमंत्रित किए गए हैं भाई यानी नए आवेदन जो आमंत्रित किए गए हैं भाई। तो आपने जो है जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उसको जो है दोबारा से फॉर्म अप्लाई करना है और पोस्टें आपको बता देते हैं। सबसे पहले पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, टोटल पोस्ट रहेंगी 1 जनरल के लिए, एज लिमिट रहेगी 18 से 65 और सैलरी इसमें आप देख सकते हैं भाई 60,000 रुपये पर मंथ रहेगी, MBBS और MD की डिग्री होनी चाहिए भाई। तो इसमें जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाने की अंतिम तिथि रहेगी भाई 4 नवंबर 2024 4:30 और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी भाई 11/11/2024 यानी 11 नवंबर 2024 भाई इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV की जो है डेट रहेगी 11 बजे से 1 बजे के बीच। अगली पोस्टिंग में भाई काउंसलर की, तो टोटल 2 पोस्टें रहेंगी भाई, दोनों जर्नल की हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, 18 से 42 एज लिमिट रहने वाली इन सभी पोस्टों में और 20,000 रुपये भाई इसमें जो है काउंसलर के लिए जो है सैलरी रहने वाली है और उसमें भाई ग्रेजुएट इन
साइकोलॉजी या सोशल वर्क या साइकोलॉजी प्रेफरेंस मास्टर्स इन अबो डिसिप्लिन। तो भाई मैंने बात की इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए साइकोलॉजी से या फिर जो है सोशल वर्क या सोशियोलॉजी से, ठीक है। और जो मास्टर इन डिग्री है उसको जो प्रेफरेंस मिलेगा इसमें, तो इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी भाई डॉक्यूमेंट जमा करवाने की, वो रहेगी 4 नवंबर 2024 4:30 बजे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई आपके जो है 11/11/2024 यानी 11 नवंबर 2024 को दोपहर 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेंगे भाई। अगली जो पोस्ट है भाई डाटा मैनेजर की, ये जो है एक पोस्ट रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 18 से 42 मिनट रहेगी, 15,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी भाई। इसमें ग्रेजुएट मांगी गई है और एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए और साथ ही भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन का भाई जो है नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसकी भी जो है डेट जो है 4 नवंबर 2024 लास्ट डेट रहेगी 4:30 बजे। और उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई डाटा मैनेजर वालों का भाई 12 नवंबर 2024 11 बजे से 1 बजे के बीच रहेगा। और अगली पोस्ट भाई स्टाफ नर्स की भाई, इसमें जो है एक पोस्ट भाई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसमें जो है 18 से 42 एज लिमिट रहेगी, 20,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी रहेगी। और इसमें जो एनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, और भाई अगर किसी के पास भाई जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा है डिग्री है तो उसको भाई जो है प्रेफरेंस मिलेगी भाई इस फॉर्म में इस भर्ती में। तो भाई इसकी जो है लास्ट डेट जो रहेगी 4 नवंबर 2024 4:30 बजे, और 12/11/2024 जो है इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेगी, और 1 बजे तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। भाई आपने अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपने जो है NHM की जो प्रॉपर वेबसाइट हरियाणा की www.nhmharyana.gov.in जो जाना है और वहाँ पर जो है पूरी डिटेल भी चेक कर लेनी है। अब जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो भाई HSC ने जो है 25,000 से अधिक पदों का जो रिजल्ट जारी करना है वो अभी तक नहीं आया भाई, और उसका रिजल्ट भाई आज जो है पूरे पूरे चांस भाई आने के, क्योंकि जो है कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है शपथ लेंगे पंचकुला में, तो वादे के मुताबिक भाई आज रिजल्ट आने पूरे पूरे चांस है भाई। पूरी तरह से जो है तैयारी चल रही है HSC की ताकि कोई चूक ना हो, इसलिए जो है पूरी सावधानी से जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, कोई मिस्टेक ना हो और कोई जो सवाल या निशान जो रिजल्ट पर ना लगे। तो इसीलिए जो भाई ये सारा टाइम लग रहा है, और आज भाई बहुत ही जो है पूरे चांस है भाई 99% चांस भाई आज रिजल्ट आने के। अब जो है एक और बड़ी अपडेट है भाई, वो भाई ITI डिप्लोमा धारक है उनको लेकर के भाई उनके लिए एक बड़ी अपडेट है भाई, और वो अपडेट ये है कि भाई हरियाणा में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई रोजगार मेले लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको लेकर के भाई विस्तार से आपको खबर बता देते हैं भाई। राज्य के सभी ITI में आज से 29 तक लगेंगे रोजगार मेले। तो नई सरकार के गठन से एक दिन पहले राज्य में युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से प्रदेश के सभी ITI में बुधवार से रोजगार मेले व कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर विभाग की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ITI में निर्धारित समय अनुसार 29 अक्टूबर तक रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, और इनमें ITI पास आउट विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने रोजगार मेलों में 10,000 युवाओं को रोजगार दिलाए जाने का लक्ष्य रखा है, और यहाँ 200 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। विभाग ने जो है सभी सरकारी यानी राजकीय ITI के प्रिंसिपल व ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि वे अधिकतम कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करके अधिक से अधिक रोजगार मेले और कैंपस इंटरव्यू आयोजित करें, और इन रोजगार मेलों में हरियाणा के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाई आपको बता देते हैं भाई कहाँ कहाँ जो मेले लगेंगे और कब कब लगेंगे, आप देख सकते हैं भाई इसमें जो है न्यूज पेपर में दी गई है भाई, भिवाणी, हिसार, झज्जर, करनाल, नू, मंदरगढ़, रोहतक, रेवाड़ी और सोनीपत। इसमें जो है 16 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले कैंपस आयोजित किए जाएंगे, इंटरव्यू होंगे। और इसी प्रकार जो अंबाड़ा, फरीदाबाद, जींद, पानीपत और सिरसा में 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, कैथल में 18 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो चरखी दादरी में 16, 21, 22, 24 व 29 अक्टूबर को, कुरुक्षेत्र में 18, 21, 22, 24 व 28 अक्टूबर को, पलवल में 18, 22, 24, 28 व 29 अक्टूबर को, पंचकुला में 18, 23, 25 व 29 अक्टूबर को, और यमुनानगर में 18, 22, 23, 25 व 28 और 29 अक्टूबर को, फतेहाबाद में 16, 18, 22, 24 व 28 अक्टूबर को मेले लगेंगे, गुड़गांव में भाई 18, 21, 23, 25 व 29 अक्टूबर को भाई रोजगार मेले लगाए जाएंगे। तब जो है अगली बड़ी अपडेट है भाई PGT की जो एग्जाम होना भाई, तो भाई PGT का जो एग्जाम भाई जो है उसकी डेट जो बदल दी गई है। पहले जो है ये डेट जो है दी गई थी भाई, और उसमें जो है 20 तारीख को जो है एग्जाम होना था,
और 20 तारीख का जो करवा चौथ पड़ता है, तो इसको लेकर के भाई जो महिलाएं द्वारा जो है ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि जो है 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ के दिन जो है स्त्रियां गहने पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, लेकिन अगर वो पेपर देने जाते तो वहां पर तो उनके गहने उतार दिए जाएंगे, तो उनको जो है गहने पहनने की अनुमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। इसीलिए जो है उनको जो है परीक्षा का जो समय है, तारीख है, उसमें जो है बदलाव किया जाए, तो उसको लेकर भाई आवाज उठाई गई और यही जो खबर जो इसमें दी गई है। और भाई अब जो है एचपीएससी ने जो है पीजीटी की परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया, और ये जो है पीजीटी की परीक्षा 3 नवंबर को होगी, और उसके लिए जो है एडमिट कार्ड भाई आप जो है 28 अक्टूबर को भाई डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसकी प्रॉपर वेबसाइट है भाई एचपीएससी की, वहाँ से। तो भाई इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।